वैसे अक्षरा सिंह जी का नाम काफ़ी दिनों से चर्चे में आ रहा है क्योंकि वो बिग बॉस OTT में जाने वाले थे, लेकिन कल जो रात को हुआ वो आपको जान के हैरानी होगी। पूरा वीडियो देखिए और बस यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी के भी फैन क्यों ना हो, लेकिन अक्षरा सिंह को इस समय हमारे सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, आप अभी जो फ़ोटो देख रहे हैं वो बिग बॉस हाउस की फ़ोटो है जिसमें इस बार के थीम को दर्शाया गया है। इस बार का थोड़ा अलग थीम है और कुछ अजीबो गरीब इसमें कंटेस्टेंट आने वाले हैं। कुछ अजीबो गरीब टास्क होने वाले हैं जो कि सिर्फ हमें मोबाइल पे ही दिखाया जाएगा। उसके लिए आप बूट OTT सब्सक्राइब कर ले, 299 में पूरे ईयर का है। चलिए खबर पे बात करते हैं। अक्षरा सिंह की एंट्री पे करण जौहर तो पूरे तरह से हिल गए। जैसे ही अक्षरा सिंह ने पारो वाले गाने पे परफॉर्म किया, उनके ट्विटर पे पारो हैशटैग पारो पूरी तरह से वायरल हो गई है कि सपोर्ट टू पारो। अक्षरा सिंह जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा कि मैं तो अपने प्यार के लिए फेमस हूँ। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह ने फिर से पवन सिंह को याद किया और अक्षरा सिंह को शेरनी भी कही गई। सब ने उन्हें शेरनी भी कहा और क्यों कहा गया अक्षरा सिंह ने वो पूरी कहानी बताई। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह ने तो एक अलग पहचान बना ली है बिग बॉस में।